दोस्तों आज मैं आपको बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं बांग्लादेश बच्चों के शादी के मामले में दुनिया में नंबर दो पर आता है। नंबर एक पर नाइजीरिया देश आता है। पूरी दुनिया में बच्चों के शादी के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश में सैकड़ों मामले हर साल ऐसे भी आते हैं जिसमें केवल पैसे या अन्य पारिवारिक दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियों की शादी बुजुर्गों के साथ कर दी जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। ये बहुत हैरानी की बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहा करती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। दोस्तों बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है, जो कि खेती पर निर्भर होती है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के लोग बहुत ही कम मुस्कुराया करते हैं। बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं। इस देश का राष्ट्रीय फल कटहल है और बाघ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, तथा बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने पर पकड़े जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। इस देश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। सबसे पहले संगठित रूप से इसी शहर में लोग बसे थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में है, जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरवन को सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों क्या आपको पता है बांग्लादेश की आर्मी में 3,00,000 सैनिक हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें हरा रंग खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाल रंग बांग्लादेश के मुक्ति की लड़ाई में अपना खून बहाने वाले सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।